कसरावद विधायक एवं पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव द्वारा अपनी विधानसभा की ग्राम पंचायत मुकुंदपुरा के सार्थक नगर आनंद बेड़ी पर विधायक निधि से निर्मित होने वाले 5 लाख की लागत के मांगलिक भवन का भूमि पूजन किया। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के तहत बड़ी संख्या में मौजूद नारी शक्ति का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। साथ ही उन्होंने स्वयं महिलाओं के आधार कार्ड लेकर नारी सम्मान योजना के फॉर्म भी भरे। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने घोषणा की है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हर महिला को 1500 रुपए सरकार की ओर से सम्मान निधि के रूप में हर महीने दिए जाएंगे। साथ ही गैस सिलेंडर 500 में दिया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, सरपंच और महिलाएं मौजूद थी। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सरकार ने लाडली लक्ष्मी बहना योजना चलाई है, जिसका कल 10 तारीख से पेमेंट डलने वाला है। और आप जो है कि मतलब वो बीजेपी उसको मास्टर स्ट्रोक मान रही है, और आपने जो है कि ये योजना चालू करी नारी सम्मान की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारी जो नारी सम्मान योजना है, जहाँ जहाँ देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जहाँ पर 1500 रुपये हमारी प्रतिमा हमारी माता बहनों को देने का काम हम लोग कर रहे हैं। राजस्थान में हमारी सरकार है, जहाँ पर हम लोग 500 रुपये में गैस का सिलेंडर हमारी माता बहनों को देने का काम करेंगे। कर्नाटका में माता बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, जहाँ पर हम लोग 2000 रुपये प्रतिमा हमारी माता बहनों को देने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस नारी सम्मान योजना के अंतर्गत हम हमारी माता बहनों को 1500 रुपये प्रतिमाह की राशि उनके खातों में डालने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो गैस का सिलेंडर आज 1200 रुपये मिल रहा है, वो गैस का सिलेंडर हम लोग 500 रुपये में देने का काम हम लोग करेंगे। क्या कर्नाटक और हिमाचल की तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना प्रदर्शन कर पाएगी? लेकिन निश्चित रूप से आज जो वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में है, और जिस प्रकार से इन 18.5 साल का जो कुशासन मध्य प्रदेश की जनता ने झेला है, और हर एक वर्ग, चाहे वो हमारी माता बहने हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से परेशान है। इनके झूठी घोषणाओं से, इनके झूठे वादों से लोग दुखी और परेशान हो रहे हैं, और एक पूरे मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है, परिवर्तन का। सरकार ने लाडली लक्ष्मी बहना योजना चलाई है, जिसका कल 10 तारीख से पेमेंट डलने वाला है, और आप जो है कि मतलब वो बीजेपी उसको मास्टर स्ट्रोक मान रही है, और आपने जो है कि ये योजना चालू करी नारी सम्मान की, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारी जो नारी सम्मान योजना है, जहाँ जहाँ देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जहाँ पर 1500 रुपये हमारी प्रतिमा हमारी माता बहनों को देने का काम हम लोग कर रहे हैं। राजस्थान में हमारी सरकार है, जहाँ पर हम लोग 500 रुपये में गैस का सिलेंडर हमारी माता बहनों को देने का काम करेंगे। कर्नाटका में माता बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, जहाँ पर हम लोग 2000 रुपये प्रतिमा हमारी माता बहनों को देने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस नारी सम्मान योजना के अंतर्गत हम हमारी माता बहनों को 1500 रुपये प्रतिमाह की राशि उनके खातों में डालने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो गैस का सिलेंडर आज 1200 रुपये मिल रहा है, वो गैस का सिलेंडर हम लोग 500 रुपये में देने का काम हम लोग करेंगे। क्या कर्नाटक और हिमाचल की तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना प्रदर्शन कर पाएगी? लेकिन निश्चित रूप से आज जो वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में है, और जिस प्रकार से इन 18.5 साल का जो कुशासन मध्य प्रदेश की जनता ने झेला है, और हर एक वर्ग, चाहे वो हमारी माता बहनें हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से परेशान है। इनके झूठी घोषणाओं से, इनके झूठे वादों से लोग दुखी और परेशान हो रहे हैं, और एक पूरे मध्य प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है, परिवर्तन का दौर चल रहा है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हम लोग कर्नाटका से भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, और एक बहुमत की सरकार हमारी मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से, हमारे सबसे अनुभवी सबसे वरिष्ठ नेता हैं हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, और उनके दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में पूरी पार्टी एकजुट होकर के काम कर रही है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम लोग जनता की मंशा के अनुरूप और जनता की भावना के अनुरूप जो है हम लोग हमारा प्रदर्शन रहेगा, और बेहतर एक विकल्प के रूप में जो है मध्य प्रदेश में हम लोग
जनता को एक अच्छी सरकार देने का। आज आपने यहाँ पर भूमि पूजन भी करा, किसका करा बताएंगे? यहाँ पर हम एक विधायक निधि से 5 लाख रुपए का यहाँ पर एक भवन की हमारे माता बहनों की यहाँ पर उनकी मांग थी, उस मांग को हमने आज विधायक निधि के निधि से उस मांग को पूरा करने का काम हमने किया। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।